ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक यूनिट 3 में, जिसका नाम है फ्यूल्स एंड कंबस्टन। ये भी टॉपिक आपका काफी इम्पोर्टेंट है, यूनिट 3 में ये है। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स, मीन्स व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ कैन वी चूज अ गुड फ्यूल, एनालिसिस ऑफ कोल, बिकॉज फॉर अस द मेजर सोर्स इज सॉलिड फ्यूल इज कोल, लिक्विड फ्यूल सोर्स जो आपके पास वो है फॉसिल पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हुआ, देन डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वी विल कवर ऑल दिस इन दिस। सो व्हाट आर द फ्यूल्स, एनी कंपाउंड विच आर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन दैट इज ऑन कंबस्टन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पज, इट इज कॉल्ड एज फ्यूल। आप सिंपल सी बात है, फ्यूल क्या है आप सभी लोग जानते हो, जिससे कि हम लोग क्या काम करें, एक मतलब एनर्जी सोर्स, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, इसी को फ्यूल कहते हैं। सिंपली फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीडेंट, देयर विल बी सम कंबस्टन प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी। यू ऑल आर अवेयर विद सम ऑफ द फ्यूल्स like wood, charcoal, coal, kerosene, etc. हाँ, एक टर्म आपको बार बार मिलता होगा, what are fossil fuels? तो जो stored fuel on in earth crust है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, fossil fuel बोलते हैं। They are derived from fossilized remains of plant and animals. आपके पास एक सिंपली देखो, फ्यूल किसी ने जनरेट नहीं किया, no one has generated. Actually मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी। तो अगर आप देखो क्या हुआ कि सोलर एनर्जी हैज बीन ट्रैप्ड बाय वेजिटेशन, यानी प्लांट्स ने कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस किया, दैट प्लांट हैज ग्रोन, बड़ा सा पौधा हुआ दैट कंटेन सेलुलोज एंड अदर सब्सटेंसेस। वो सेलुलोज यानी कि वुड, ये क्या है आपका, वुड है। आप चाहे इसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो या फिर इससे वुड से क्या बन गया, बाय कार्बोनिफिकेशन एक लॉन्ग टर्म में कोल या पेट्रोलियम बन गया, जिसको आप एनर्जी सोर्स, एनर्जी थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब आप प्रोड्यूस करना चाहते। सो व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, दैट हैज बीन ट्रैप्ड बाई वेजिटेशन यानी प्लांट्स बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर उससे क्या निकला, सेलुलोज यानी वुड, काफी वुडी मटेरियल्स, तो वो उनको आप सॉलिड फ्यूल के फॉर्म में डायरेक्टली यूज कर सकते हो, फिर या फिर वो उनका लॉन्ग टर्म में बहुत दिनों तक क्या हुआ, पड़े रहे अर्थ क्रस्ट में, तो कोल और पेट्रोलियम बने, जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट, हाउ कैन वी क्लासीफाई, द मेजर क्लासिफिकेशन गोज, यू कैन सिंपली क्लासीफाई की फ्यूल मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस, बट बिफोर बिगनिंग दैट स्टेट, हम लोग फ्यूल्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। सो प्राइमरी फ्यूल इज जस्ट नेचुरल, प्राइमरी फ्यूल इज नेचुरल मीन्स नेचर गिवन है, यानी जैसा कि आपने नेचर से उठाया है, एक्वायर किया है, वो क्या है, प्राइमरी फ्यूल है। जैसे आपने वुड, तो वुड पे कुछ अलग से रिफाइनिंग नहीं की, लकड़ी आपने ले लिया, वो प्राइमरी फ्यूल है। पीट, ठीक, जो कोल का जो सबसे वर्स्ट कैटेगरी है, यानी कोल फॉर्मेशन की पहली कैटेगरी हुई जिस, उसी को पीट बोलते हैं। कोल हो गया और नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या है आपके, प्राइमरी फ्यूल्स है। सेकेंडरी फ्यूल्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल्स बाय प्रोसेसिंग, यानी कि यहां पर ह्यूमन बीइंग ने उसको प्रोसेस किया, ठीक। जैसे आपने कहा कोक, तो नेचर हैज गिवन अस कोल, कोल तो दिया है नेचर ने, उससे हम लोगों ने क्या बनाया, कोक बना लिया, उससे हमने क्या बनाया, चारकोल बनाया, जो हमारे पास
पेट्रोलियम सब्सटेंसेस अवेलेबल थे उससे हम लोगों ने क्या बनाया, केरोसिन बनाया, कोल गैस बनाया, प्रोड्यूसर गैस बनाया, पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, ठीक है। तो जो बनाया प्राइमरी फ्यूल से यानी प्रोसेस किया, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्यूल। सो दिस इज द मेजर कैटेगरी, प्राइमरी फ्यूल एज वेल एज सेकेंडरी। ऑल्दो यू कैन क्लासिफाई, आपको ये कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, आपको फिजिकल स्टेट के बेसिस पे दैट मे बी सॉलिड फ्यूल, दैट मे बी लिक्विड फ्यूल, दैट मे बी गैसियस फ्यूल, कुछ भी हो सकता है। अकरेंस के बेसिस पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट। किसी भी फ्यूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। किसी भी फ्यूल की क्वालिटी यानी उसकी वैल्यू वर्थ क्या होने जा रही है, दैट डिपेंड्स ऑन कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज बर्नड कंप्लीटली। एक यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, जनरली आपने कहा कि पर ग्राम ले लिया, पर केजी ले लिया, ठीक है, ज्यादा साइंटिफिक पर मोल भी है, बट रिमेम्बर हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने जा रहे हैं, मींस बहुत ही कॉमन सी उसमें पढ़ना है जो हर कोई यूज कर ले, मींस यहाँ पर मास और वॉल्यूम आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। सो यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम, सपोज 1 ग्राम आपने बर्न किया, कितनी हीट निकली वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कही जाएगी, और कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्टली उस फ्यूल की कितनी कीमत होगी इसको डिसाइड करेगी, मतलब कितना, हाउ मच इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट। सो हीट प्रोड्यूस्ड, इन दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक, जो कि हीट से रिलेटेड यानी कैलोरीफिक वैल्यू निकालने होंगे। तो उससे पहले आप कैलोरीफिक वैल्यू किस में मेजर करी जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, उसको लेके आप अवेयर हो जाए। यूनिट्स ऑफ हीट वी हैव गिवन कैलोरी, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनरल। ये आपको बहुत पुरानी डेफिनेशन है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 12, ठीक है। 1 ग्राम वाटर लिया, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट रिक्वायर्ड हुई वही को क्या कहते हैं, कैलोरी। समटाइम्स आपको किलो कैलोरी में वैल्यूज मिलेंगी, सो नो नीड टू से 1 किलो कैलोरी दैट इज इक्वल टू 1000 कैलोरी हो जाएगा। ये दो दो कॉमन सी चीजें हैं। अब नेक्स्ट, सपोज आपका प्लेसमेंट अब्रॉड हो गया और आप वास्तव में इलेक्ट्रिकल के पर्सन है, बेसिकली आई एम सेइंग फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल, जहां पे आपको थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो कोल और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो अगर आप इंग्लिश सिस्टम में यानी लंदन चले गए, ब्रिटेन चले गए, गॉड ब्लेस, देन वहां पर कैलोरी आपको नहीं मिलने जा रहा है, बल्कि क्या मिलेगा, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ओके। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फारेनहाइट, 1 पाउंड थ्रू 1 फारेनहाइट, एंड दिस इज योर टास्क, ऑल ऑफ यू मस्ट नो 1 पाउंड में कितना ग्राम या कितना किलोग्राम होगा, ये आप जरूर नेट पे एक बार गूगल करिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर दिस, ठीक है। तो 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 फारेनहाइट यानी 60 से 61 फारेनहाइट करने में जो हीट रिक्वायर्ड हुई वही क्या बोला जाता है, BTU। हाँ, यू मस्ट नो द रिलेशन, 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरी, दैट इज इक्वल टू 0.252 किलो कैलोरी, एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTU। सो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। एक CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, दिस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, CHU 15 to 16 degree Celsius, जैसे किया। सो रिलेशन यू मस्ट नो, 1 BTU 252 किलो कैलोरी, दैट इज 0.252 किलो कैलोरी, एंड 1 किलो कैलोरी दैट इज इक्वल टू 3.968 BTU, दैट इज इक्वल टू 2.2 CHU। द SI यूनिट इज जूल है, जूल का भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 कैलोरी में आई थिंक एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर विद दिस, दैट 4.2 और एग्जैक्टली 4.185 जूल्स, ओके।
then you may convert this in arcs, you may convert into electron volts, that is also unit of heat, लेकिन और एनर्जी, लेकिन यहाँ पर आपको कैलोरी, BTU, CHU, किलो कैलोरी, जूल्स यही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV, जिसको हम लोग हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक, और दूसरी है नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV, इसको हम लोग लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। What is GCV? It is the total amount of heat generated when a unit quantity of fuel is completely burnt in oxygen and products of combustion are cooled down at room temperature. Okay, and products of combustion are cooled down at room temperature. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हम यहां पर करना क्या चाह रहे हैं। सपोज वी हैव टेकन अ फ्यूल और उस फ्यूल को हम एक क्लोज्ड पॉट में बर्न करा रहे हैं, लाइक दिस। अब क्लोज्ड पॉट में अगर हम फ्यूल को लेके बर्न करा रहे होंगे तो होगा क्या, ये आपके पास यहाँ पर वुडन है, ये इस तरह से वुड मटेरियल है। अब जो वुड मटेरियल है इसको आप क्या करा रहे हो, बर्न करा रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा रहे हो, तो दैट कंटेन्स हाइड्रोजन ऑल्सो। अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिला तो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, H2O, यानी कि वाटर। अब दो कंडीशन है, एक आपके पास ये है और दूसरा मैं बताऊं क्लोज्ड पॉट, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि नहीं हम ओपन पॉट में रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन जनरली टर्म हम यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बर्निंग करवा रहे, बर्निंग दैट इज अ रिएक्शन। हम ये करें, अगर आप इसको क्लोज्ड पॉट में यूज कराओ तो H2O वेपर्स will be inside this, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू मेजर कर रहे होंगे तो ये टोटल का जो हीट बता रहा है, यानी हीट ड्यू टू H2O वेपर्स, वो भी बता रहा है, जबकि वो H2O वेपर्स उसकी हीट जो थी वो यूज नहीं होने जा रही, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप क्या बोलोगे कि आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, दे विल कंडेंस टू फॉर्म H2O लिक्विड, और वो हीट आपने जोड़ रखा है, ठीक, जबकि वो वेपर्स वाली हीट जनरली कोई यूज नहीं करता है, ठीक। तो यही चीज हमने यहां पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि व्हाट इज GCV एंड व्हाट इज NCV। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्नड इन ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन आर कूल्ड डाउन, यानी कि उनको हमने स्कैट नहीं होने दिया, उसी में कूल करवा दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, ऑन कूलिंग इट गेट कंडेंस्ड इवॉल्विंग लेटेंट हीट, जो कि अनयूजेबल है, ठीक है। जो कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग डिटरमिन करते हैं कैलोरीमीटर से, वो GCV। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCV, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। हमने आपको ये बताया कि जो एनर्जी इसमें ये H2O वेपर्स में थी, ये यूजेबल नहीं थी, ये यूज हम लोग नहीं कर पा रहे थे, यानी ये वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड बन जाएंगे और वो हीट बाद में मिलेगी, यानी आप जिस पर्पज से इनको बर्न करवा रहे हो एनर्जी वो डायरेक्ट मिलेगी नहीं, बट रीडिंग में आई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि रीडिंग, एक्चुअली जो हीट फ्यूल ने प्रोड्यूस करी है और यूजेबल है, यानी कि आप कहीं उसको यूज करना चाह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आएगी ये वाली रीडिंग, ठीक है, क्योंकि H2O वेपर्स बाद में कंडेंस होंगे, लिक्विड बनेंगे, वो हीट बाद में वाली, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरी, ठीक है। दूसरा आता है, उसको बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV, ठीक है। जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है
जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है भाई, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, उसको बर्न किया गया, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन आर अलाउड टू स्कैप एज इन जनरल प्रैक्टिस, आई हैव रिटन दिस इन ब्रैकेट, एज इन जनरल प्रैक्टिस हम लोग आग जलाते हैं तो आग उसको बंद करके नहीं रखते, क्लोज्ड उसमें जार में नहीं जलाते बल्कि ओपन में जलाते हैं। सो ओपन में जलाते हैं तो आप अगर देखेंगे कि इफ इट इज कंटेनिंग वाटर सॉरी हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन विल कन्वर्ट टू H2O और H2O वेपर्स कुछ एनर्जी लेके स्केप आउट हो गए, यानी कि ये वैल्यू हायर कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा होगी, लेकिन ये एक्चुअल कर्न वैल्यू है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, यानी कि जो फ्यूल से मिल पा रही है, ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीसीबी एंड एनसीबी, ठीक, जीसीबी को हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCB बोलेंगे और एनसीबी को लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCB भी बोलेंगे, ओके। नाउ सिंस वन पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन यू मे कैलकुलेट गिव्स 9 पार्ट बाय वेट ऑफ वाटर, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज हाउ मच 18, सो 2 ग्राम गिव 18 ग्राम, सो 1 विल गिविंग 9, सो यू कैन डिटरमिन दिस कैसे, HCB इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम होती है 587 कैलोरी पर ग्राम, so you can determine LCV is equal to HCV minus weight of hydrogen H into 9 into 587. Another calculation in future आप जब calculations पे जाओगे तो आप percentage of hydrogen यानी किसी fuel sample में hydrogen का mass ना देके percentage दिया होगा तो आप determine कर सकते हो कैसे कि मान लीजिए percentage of fuel is H, okay, so the weight of water produced from 1 gram fuel उस फ्यूल से 9H अपॉन 100 हो जाएगा, मींस 0.09H ग्राम, सो LCV विल बी इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इनटू 587, ये 587 क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, मींस 1 मोल स्टीम जब कूल डाउन होगी तो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी, ओके। नाउ द डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज द प्रिंसिपल, अपने 11th 12th में भी कहीं सॉरी ये क्वेश्चन मिला होगा करने को कैलोरीफिक वैल्यू फिजिक्स में, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, ए नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू बर्न इन एक्सेस ऑक्सीजन, उसको बर्न कराएंगे और जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वाटर को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या हीट लॉस दैट इज इक्वल टू हीट गेन, यानी कि फ्यूल ने जितनी हीट प्रोड्यूस करी वो किसको मिल गया, वाटर को मिल गया, और वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ उससे उसका स्पेसिफिक हीट तो आपको पता है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, आपने पहले सुना होगा फॉर्मूले यूज किए होंगे फिजिक्स में, उसी से निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फॉर सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स we can use bomb calorimeter and for gaseous and volatile liquid fuels we can use Bayes calorimeter, dono ke shape aur structure thode se different hote hain. This is the structure of bomb calorimeter, aapko ye examination mein aata hai, isko bahut hi seriously lena hai, isko samajh bhi lena hai, aur mere khayal se 11th if you were a scholar of good school एक स्कूल ऑफ हाई रिप्यूट तो वहां पर आपको कैलोरीमीटर एक सिंपल सा कैलोरीमीटर देखने को मिला होगा, ओके। लेट अस कंटिन्यू, इसमें है क्या, इसमें क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस कैलोरीमीटर है, यानी कि जो 11th या 12th में आपने देखा होगा फिजिक्स की लैब में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बट बेसिक थीम इज सेम, बेसिक थीम आपकी सेम होने जा रही है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड, ये जो है इसको ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं स्टील बॉम्ब, ओके। हम इसको आपको थोड़ा सा कॉपी करके यहां एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्लियर। एंड वी कैन एक्सटेंड और अब हम इसको आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ओके।
So this one. Okay, let us start. अभी इसमें है क्या कि देखो ये आपका यहां पर क्या है, अंदर जो है वो है बम, जिसका नाम ही है बम। ये वो बम नहीं जो आप सोच रहे हैं, पर इसका नाम ही है बम। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, यानी ये वाला, अभी मैंने इसीलिए एक एक चीज डिक्टेट करने को, ये स्टेनलेस स्टील का बम बोलते हैं। जस्ट एक जार है और कुछ भी नहीं है, ये कॉपर का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का या किसी और मेटल का, इसी को हम बोलते हैं बम। ठीक है, ये इसके ऊपर एक कैप है, फिटिंग करी गई है, दिस वन, ये कैप फिट करी गई है, और यहां पर ऑक्सीजन वॉल्व लगा है, यानी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन आप यहां से प्रोवाइड करते हैं। ओके, आप अपना फ्यूल यहां क्रूसिबल में रखते हैं इस जगह पे, ये जो टुकड़ा है ये किसका है, फ्यूल का। ठीक, अब फ्यूल और ऑक्सीजन और ये सील्ड है, तो सील्ड है तो आपको इग्निट कराना भी चाहिए। अगर आप बाहर वुड जलाते हैं तो आप फूंक, मुंह से फूंक फूंक के जला देते हैं, पर वहां आप जब क्लोज्ड पॉट में कर रहे हैं, क्योंकि आपको हीट मीजर नहीं करने, हीट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में निकले, जब आपको हीट मीजर करना है तो आपको इग्निट कराना होगा और वो भी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इनफ ऑक्सीजन हैज बीन प्रोवाइडेड, और यहां पर हम मैग्नीशियम का फ्यूज लगा देते हैं और उसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। व्हाट इट विल डू, स्विच ऑन किया तो यहाँ पे ये फ्यूज जल जाएगा, जस्ट लाइक जैसे टंगस्टन वायर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इतने उसमें जल गया। अब वो जल गया तो आपका जो फ्यूल सैंपल ले रखा है वो भी जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट ये वाली जो लेयर है, इसको ये कॉपर का कैलोरीमीटर है, ये वाला जो है ये आपका कॉपर का कैलोरीमीटर है। ठीक है, ये कॉपर का कैलोरीमीटर, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपको पता ही है, कॉपर का कैलोरीमीटर है। और इस बम और कॉपर कैलोरीमीटर के बीच में आप एक थर्मोमीटर लगा सकते हैं, बेकमोन्स थर्मोमीटर स्पेसिफाई कर दिया गया है, क्योंकि ये इट कैन मेजर इवन ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डेसिमल के 3 places 4 places तक के चेंजेस को ये क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। ओके, तो यहां पर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्मोमीटर लगा दिया, अब उसके बाद में ये जो बाकी का स्पेस है यहां पर, आप ये एयर जैकेट है, ये वाला ये एयर जैकेट है, यानी ये ब्लैंक स्पेस है, नॉन कंडक्टर, आप ऐसा करें और सबसे आउटर मोस्ट सरफेस जो है वो क्या करें कि नॉन कंडक्टर सब्सटेंस का बना दे, यानी कि हीट लॉस ना हो। ठीक है, अब आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करते ये है कि आपने कोई भी फ्यूल लिया है, फ्यूल यहाँ पे रखा है, उसके बाद में मैग्नीशियम वायर 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, आपने फ्यूल ये स्विच ऑन करी, इग्निशन विल टेक प्लेस, आपका फ्यूल जो है इग्निट हो जाएगा, फ्यूल इग्निट हो जाएगा तो बर्निंग होगी, बर्निंग हुई तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, दैट हीट हैज बीन सप्लाइड टू दिस वाटर। अब वो इस वाटर को इस स्टेनलेस स्टील से कहाँ पहुंचा, ये वाटर को पहुंचा, अब वाटर को पहुंचा तो वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा, और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपके पास बहुत ही पुराना सा एक फार्मूला है, वो जो आपने यूज किया होगा कभी, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। ठीक है, एम सी डेल्टा टी, ठीक, एम सी डेल्टा थीटा या एम सी डेल्टा टी, जो भी हुआ यहाँ पर, यानी कि एम क्या है, मास, यानी वाटर का मास कितना था, सी स्पेसिफिक हीट कितनी है, यानी वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में कितना, एक कैलोरी हीट हुई, इसीलिए वाटर लेना भी बेटर है, क्योंकि वाटर का कितना है, 1 कैलोरी, इसी से कैलोरी की डेफिनेशन ही बनी है, सो सी इज 1। और टेम्परेचर कितना राइज हुआ, यानी अभी मान लीजिए आपने कहा नहीं शुरुआत में हमारा 25.6 था, तो वो 35.6 हुआ, समथिंग हुआ, ये हुआ, तो जो हीट यहाँ पर फ्यूल
के बर्निंग से प्रोड्यूस हुई है वो हीट किसको ट्रांसफर हो गई, वाटर को, जिसको हम लोगों ने टेम्परेचर राइज के फॉर्म में मेजर कर लिया। दिस इज द बेसिक फंडा। ओके, तो अभी आप उसको, मैंने बताया क्या क्या, वही चीज आप फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज दिस स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, उसके उसमें क्या रखा जाए भाई, क्रूसिबल, क्रूसिबल में क्या है, क्रूसिबल में वुड है सैंपल जिसका सब्सटेंस इसका फ्यूल है जिसका कॉन्फिग वैल्यू निकालना है, दैट इज बीन अटैच्ड विद मैग्नीशियम वायर्स, दोस आर अल्टीमेटली अटैच्ड विद 6 वोल्ट बैटरी, व्हाई, बिकॉज व्हेन दे वी विल मेक इट ऑन तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, मैग्नीशियम वायर बर्न करेंगे, इसका मतलब उसी के सारे फ्यूल्स बर्न करेंगे, बर्निंग स्टार्ट हुई। फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन विल बी प्रोवाइडेड, यस दिस इज ऑक्सीजन वाल्व, इनफ ऑक्सीजन विल बी provided. Okay, what will happen? Heat will be produced because this is fuel. Heat will be transferred to water. अब water में क्या हुआ? Temperature rise हुआ, और temperature rise हुआ तो heat produced, जो heat produced हुई वो water को चली गई, heat loss equal to heat gain, और उसको हम लोगों ने measure कर लिया। So this is a simple thing about bomb calorimeter. What I have explained has been written. उसको आप देख सकते हो, नोट्स में भी इंक्लूड कर लो, अपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, ठीक है, लीड स्पेस स्क्रूज है, एयर टाइट है, ठीक, एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हैज बीन रिटन, यू मे पॉज एंड यू मे नोट इट। नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ कैन यू कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके, so suppose weight of fuel is fuel sample is x gram, or weight of water in calorimeter capital W, never to confuse, capital W, water equivalent of calorimeter, stirrer, pump and thermometer is small W, and temperature raised from T1 to T2 degree Celsius. Okay, so Q is equal to mc delta theta, ये वही formula है, m यानी दोनों mass, कौन कौन से, वाटर का मास और वाटर इक्विवेलेंट, और सी वाटर के केस में 1 होता है, दैट्स व्हाई हैज नॉट बीन रिटन, और ये क्या है T2 माइनस T1 डेल्टा T है, डिवाइडेड बाय x, यानी कि ये कितना है, क्योंकि हमको पर यूनिट निकालना है कैलोरीफिक वैल्यू, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज पर यूनिट मास, सो पर यूनिट मास करने के लिए हमको, हमने क्या किया, फ्यूल पेलेट यानी सैंपल जो था उससे डिवाइड कर, the rest has been explained. One thing, there may be a doubt to you. वो doubt क्या है? What is water equivalent? Let us try to explain. क्या करना है भाई? हम जो इस structure था, इसको फिर से देख रहे हैं। हम structure को देख रहे हैं और हम जो calorific value है, उसको perfectly measure करना चाहते हैं। परफेक्टली मेजर करना चाह रहे हैं, यानी हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज हैज बीन सप्लाइड टू वाटर, बट ध्यान दीजिए आप कि थोड़ा सा हीट तो इसने भी अपने ऊपर कंज्यूम किया होगा, हमने वाटर का मास तो पहले से ले रखा है, लेकिन ये जो आपने कॉपर का कैलोरीमीटर लिया, इसका भी तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, दैट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड, ये थर्मामीटर है, इसका भी कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, That has not been considered. ठीक है, तो इन सब को हम लोग यहाँ पर water equivalent के फॉर्म में convert कर लेते हैं, आपको numericals में water equivalent convert करके दिया रहेगा, otherwise ये बड़ी problematic चीज है, क्योंकि आपने कहा water इसका कितना 1 degree, 1 किलो 1 कैलोरी 1 degree, लेकिन यहाँ पर कॉपर है उसका कुछ अलग होगा, कुछ और दूसरे substances उनका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए डिफरेंट हीट की जरूरत होगी, तो बहरहाल ये सब का इक्विवेलेंट आपको प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा। सो व्हाट आर दिस इक्विवेलेंट्स, यानी कि मास ऑफ दैट स्टील बम एंड कॉपर कैलोरीमीटर एंड थर्मामीटर अदर्स, उन सबको नॉर्मलाइज करके हम लोग वाटर के साथ में एड करने लायक जो कंडीशन हुई, उसी को हम लोग वाटर क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ओके, सो यू कैन डिटरमाइन एचसीवी एंड एलसीवी। देयर आर स्टिल वेरियस करेक्शंस,
अभी भी कई सारे करेक्शन है, आप फिर से उसी फॉर्मूले को, इसी स्ट्रक्चर को देखो, आप याद करो आप किसका निकाल रहे हो कैलोरीफिक वैल्यू, आप कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हो फ्यूल किसका, फ्यूल का जो प्लेट ये आपके पास ब्लैक चौकोर रखा है, लेकिन ध्यान दीजिए आपने बहुत ही पतला अगर वायर लगाया तो वो भी तो जला था और उसने भी हीट प्रोड्यूस करी थी, आप कायदे से कि वो हमारे रीडिंग में चला गया लेकिन वो तो फ्यूल की एनर्जी नहीं थी, दैट वाज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दैट मैग्नीशियम वायर, सो दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, अगर आप एग्जैक्टली मेजर करो तो उसको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो एक तो वो फ्यूज वायर करेक्शन, लेट अस कम, तो फ्यूज वायर करेक्शन हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग स्पार्किंग, इसको आपको हटाना पड़ेगा। एसिड करेक्शन, फ्यूल्स कंटेनिंग सल्फर एंड नाइट्रोजन, अगर सल्फर और नाइट्रोजन वाले फ्यूल हैं, इफ ऑक्सीडाइज्ड हीट फॉर्मेशन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3 शुड बी सब्सट्रैक्टेड एज द एसिड फॉर्मेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अगर सल्फर और नाइट्रोजन है दे मे फॉर्म H2SO4 एंड HNO3, द फॉर्मेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो दैट इज ऑल्सो नॉट बाई फ्यूल बट ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन, उसको भी आपको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। दो चीजें सब्सट्रैक्ट करने वाली हुई, कौन सा, फ्यूज वायर और एसिड। कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन यानी कि एक्सपेरिमेंट होने के टाइम, एक्सपेरिमेंट होते या आपके मेजर करते वक्त उसकी कूलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, सो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द कैलोरीमीटर फ्रॉम मैक्सिमम टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, ये नोट करते हैं हम, ठीक, और आपने एग्जैक्ट वो वाला टेम्परेचर नहीं यूज किया, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस कुछ ना कुछ कूलिंग हुई होगी तो उतनी हीट आपकी कम बताएगी, ठीक, इसलिए वो आपको कूलिंग करेक्शन उसमें ऐड करना होगा। रिमेंबर अगेन व्हाइल यू वेयर मेजरिंग, जब आप इसको मेजर कर रहे थे तो जब यहां पर हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ साइमल्टेनियसली कूलिंग प्रोसेस है आल्सो स्टार्टेड, ठीक, दैट्स व्हाई व्हाटएवर द डाटा वी आर गेटिंग दैट इज स्लाइटली लेस ड्यू टू कूलिंग, तो उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक। सो फाइनली इन करेक्ट वे यू कैन डिटरमिन, यू कैन डिटरमिन जीसीवी दैट इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू मीन्स मास ऑफ वाटर प्लस स्मॉल डब्ल्यू वाटर इक्विवेलेंट, या जो जो सब्सटेंसेस जो भी आपने इक्विपमेंट यूज किया उन सबका वाटर इक्विवेलेंट हुआ, ठीक, इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर प्लस कूलिंग करेक्शन, ओके, माइनस एसिड प्लस फ्यूज, एसिड और फ्यूज करेक्शन सब्सट्रैक्ट करने, कूलिंग करेक्शन एड करने, डिवाइडेड बाई एक्स। सो दिस वॉज बम कैलोरीमीटर जिससे हम क्या सॉलिड फ्यूल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए यूज करते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर लिक्विड जो कि वोलेटाइल है या गैसियस फ्यूल है तो आपको जो कैलोरीमीटर है उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लिक्विड और गैसियस के लिए, वोलेटाइल लिक्विड और गैसियस के लिए वी विल यूज बॉयल्स कैलोरीमीटर। बॉयल्स कैलोरीमीटर द प्रिंसिपल विल बी सेम, प्रिंसिपल तो भाई सब कुछ वही होने जा रहा है, कुछ नया नहीं आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन थोड़ी सी चेंज होगी। इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन क्या है कि जहां आपने सॉलिड फ्यूल रख के इसको बंद कर दिया था, याद करिए अब यहाँ पे वो गैस सप्लाई कर रहे हैं, तो आप कितनी गैस सप्लाई कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, ये बर्न, इसकी बर्निंग से हीट प्रोड्यूस हुई, जो हीट प्रोड्यूस हुई तो ये जो इधर कॉपर कॉइलिंग्स है दे विल एक्वायर दैट हीट, जो कॉपर कॉइलिंग्स है वो क्या करेंगे हीट एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, वही हीट अल्टीमेटली वाटर को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि जो वाटर वाटर जो आपके यहाँ पे सप्लाई हो रही है, यहाँ पर इंसुलेटेड कंटेनर है, इसके बाद ये वाटर सप्लाई है, वाटर जो हीट है ये फाइनली उस वाटर को ट्रांसफर हो जाएगी, मीन्स फंडामेंटल सेम, थोड़ा सा डिजाइन में चेंज हो गया। यहाँ भी आप निकाल सकते हो V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस बर्निंग, हम वी आर नॉट टेकिंग मास, हम लोग यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं मास क्योंकि वॉल्यूम, ठीक, W इज द मास ऑफ कूलिंग वाटर यूज्ड इन टाइम T,
T1 T2 आपको पता ही है, ठीक। M इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इन टाइम T, यानी कि जो इसकी हीटिंग से स्टीम प्रोड्यूस होती है उसकी बात हो रही है। यू कैन डिटरमिन HCV, HCV इज इक्वल टू W T2 - T1 / V, और आप NCV भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको जो मिलने वाले होते हैं वो पाम कैलोरीमीटर पे होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्दर, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायस कैलोरीमीटर और ये पाम कैलोरीमीटर, ओके। थ्योरेटिकली यू कैन डिटरमिन द कैलोरीफिक वैल्यू, अगर आपको परसेंटेज पता है तो, मींस उसमें एक अल्टीमेट एनालिसिस अगर आपने कर रखी है कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट सल्फर है, देन आल्सो यू कैन डिटरमिन। तो आइदर आप अननोन फ्यूल का डायरेक्ट बम कैलोरीमीटर और उसमें लगा रहे हो, कैलोरीमेट्री कर रहे हो, या फिर उस फ्यूल का कंपोजिशन डिटरमिन कर लो, तब भी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे हम लोग निकालेंगे, हाइड्रोजन अगर है तो ये 34,500 किलो कैलोरी पर केजी, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। अगर कार्बन है, 1 kg कार्बन बर्न किए तो 8080 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हुई। अगर 1 kg सल्फर बर्न किए तो 2240 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस बर्न किए तो 34500, दीज आर द रेडीमेड वैल्यूज। अब इनको हम यूज कर लेते हैं, क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है फ्यूल में, सो इट इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट एज वाटर, यानी उसको फिक्स्ड हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अब इस हिसाब से आपने क्या निकाला, H अवेलेबल हाइड्रोजन इन कंबस्टन ऑफ फ्यूल कितना हुआ, टोटल हाइड्रोजन माइनस फिक्स्ड हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन का परसेंटेज था उसी रेशियो में अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज उसी रेशियो में फिक्स्ड हाइड्रोजन आपको रिमूव करनी होगी। आई थिंक द मैटर इज नॉट क्लियर येट, आपको अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज, सल्फर का सबकी तो कैलोरीफिक वैल्यूज दे दी गई, हाइड्रोजन से इतना निकला, कार्बन से इतना निकला, सल्फर से इतना निकला। अगर फ्यूल में ऑक्सीजन है तो इसकी बात करें, अगर फ्यूल में ऑक्सीजन है then it is supposed to be in form of H2O. Oxygen is supposed to be in form of H2O. और अगर वो H2O है तो वहां पर H2O, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 8 gram, ऑक्सीजन इज 8 gram. Let us stop and we will start again next lecture.